स्वागत है, वेलकम नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो जी, आज वीडियो के बगैर तो यकूब भाई बात कर रहे थे कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच पर वीडियो नहीं आई। नहीं, अभी हम वीडियो आ गई है, हमें टॉपिक का पता चल चुका है, हम बगैर वीडियो टॉक स्टार्ट करेंगे रिएक्शन। तो यकूब, बगैर वीडियो कैसे आप रिएक्शन कर लेंगे भाई? यही है ना, हमने रिएक्शन ही देना कि इंडिया जो साउथ अफ्रीका का मैच हुआ है, जो जैसे इंडिया खेली है, तो मैं तो कहता हूँ ठीक खेली है। यकूब भाई कहते हैं कि मैं तुझे ना दो तीन बातें बता देता हूँ, आप खुद ही सोच ले। मैंने तीन चार दिन पहले बोला था हसन भाई को कि पाकिस्तान का जो मैच होना है ना साउथ अफ्रीका, उससे पहले इंडिया के साथ हो रहा है मैच, तो इंडिया मैच हारेगा। हारेगा इस तरह के महसूस भी नहीं होगा कि इंडिया जानबूझ के हारा है। खेलेंगे जरूर, लेकिन इस तरह खेले जिस तरह हथमोया बंदा नहीं हो जाता, मार मार के बंदा फेंक देता है यार। इंडिया की देख लो, कोहली किस तरह आउट हुआ, कोहली ने किस तरह कैच छोड़ा, सूर्या कुमार यादव किस तरह खेला, वो थोड़ा सा अच्छा खेला, सिर्फ इसलिए कि आईसीसी की रिंकट जारी होने वाली गुलजार, उसमें वो नंबर वन आ जाएंगे, उनकी परफॉर्मेंस है भाई मेरी। तो कार्तिक को देख लो किस तरह खेल, भाई पिच देख रही थी कैसे खिला रही थी। मेरा भाई कुछ अकल के साथ बात कर, ये मैच उन्होंने हारना था। दस ओवर में 35 स्कोर था साउथ अफ्रीका का, 35-40। आप बॉलिंग देख लो इंडिया की, इस मैच के अंदर आपने बैटिंग देख लो, इस मैच के अंदर भाई एक मिनट, ओ भाई बड़ी बड़ी बैटिंग लाइन आप खराब हो जाते हैं। मेरा भाई तो ये मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, जिम्बाब्वे से आप जान कर आ रहे हैं 130 था स्टार्ट कर। ओ यार, आप तो प्रेशर में थे ना, हम तो प्रेशर में थे भाई। मेरी तो बात सुनो, मैच हारे हुए हमारे ऊपर प्रेशर। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, उसका इंडिया का एक वर्ल्ड क्लास टीम है साउथ अफ्रीका की, उसका पूरी वर्ल्ड में एक मेरा भाई, आप जिस तरह सुबह अभी वीडियो आने शुरू हो गई है, देख लो सारी दुनिया देख रही है, इंडिया जानबूझ के मैच हार रहा है। आपने ये इतराज उठाया ना कि इंडिया जानबूझ के हारा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपका मैच था साउथ अफ्रीका, वो हारा या जीता इससे क्या फर्क? आपके दलों को चाहिए था ना कि पहले खुद खेलते अच्छा, अभी यार वो तो हारे दम पर जाते हैं, हार के पता चल गया। हाँ ये बात है, वो अपने दम पर जाते हैं, अपने दम पर जाना चाहिए, नहीं ये किसी पर उम्मीद क्यों रखी हुई थी। तो आज जो मैच जीते हैं नेदरलैंड से, कैसे रो के जीते हैं ये मोहम्मद रिजवान साहब, भाई अभी 6 ओवर रहते थे भाई, अपने 50 6 विकेट भी, भाई 8 ओवर में मैच ऐसा खत्म होना चाहिए, नहीं हो आपका रन रेट नहीं हो सका, आपका रन रेट का मसला आपने 8 ओवर में उसको पूरा करना था भाई। चित्र मोहम्मद रिजवान ने 50 के चक्कर में 3 ओवर खा लिए, फिर भी 49 पर आउट हो चुका, लेकिन ये मैच इंडिया ने जानबूझ के हारा है भाई। मुझे तो सबूत तो दो भाई, हाँ सबूत ये है कि पाकिस्तान कहीं आगे ना आ जाए, ये सेमीफाइनल की दौड़ में ना। अच्छा, इंडिया आगे बांग्लादेश से हार जाता है, अच्छा पाकिस्तान तीनों मैच, पाकिस्तान अब तीनों मैच जीते ना फिर भी बैठ जाएंगे, क्योंकि उस एवरेज के साथ एक मैच भी जीतेगा साउथ अफ्रीका तो अच्छी है। किसकी? पाकिस्तान की। वो जीत गया है, 4-6 विकेटों से जीता। मैं कहता हूँ इन्होंने साउथ अफ्रीका से भी हार जाना है, तो ये बात करो ना फिर इंडिया से, तो अगर इंडिया जीत जाता मोर ज्यादा चांस थे, अपनी टीम का गंद और अपना गंद दूसरों पर नहीं डालना चाहिए। तो मैं कहता हूँ इंडिया अच्छा क्रिकेट खेली है भाई, इतना बुरा खेली आज इंडिया, बिना बॉलिंग अच्छी की है जिस तरह वो एक टीम के खिलाफ खेलते हैं ना, इन्होंने बैटिंग की है, बॉलिंग अच्छी की, हाँ कोहली का भी कैच छोड़ रहा है, कोहली की बैटिंग देखो, रोहित शर्मा की बैटिंग देख लो, कार्तिक की देख लो, रोहित शर्मा तो पूरा टूर्नामेंट में आउट ऑफ फॉर्म है, सूर्या कुमार यादव देख लो, सूर्या कुमार यादव ने 34 स्कोर थे जब मैं मैच देख रहा था, मैं हसन को बोला था आज देख रहा हूँ, मैं तुझे पहले बोला था 50 के बाद ये आउट हो जाएंगे। अच्छा मैं तो कहता हूँ वो जान वो 50 के बाद तो फिर 51 या भाई जिस तरह अच्छा सूर्या कुमार यादव वो शॉट तो उसकी छिक्के वाली होती है हर बार, वो तो छिक्का आसानी से बैठ जाता है, वो बंदा आसानी से ऐसे बैठ कर दे घुमा दे ऊपर। सिर्फ पाकिस्तान क्यों ऐसा रोला डाला आपने, ये मुझे बताएं सूर्या कुमार यादव पिछले मैच क्यों नहीं खेला, पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं खेला?
मेरा भाई पाकिस्तान में जब मैच था तो आउट हो गया ना आते ही आउट हो गया वो जान आज वो खेल रहा था वो जान दे रहा था वो खेलता था अगर वो खेलते 70-75 स्कोर हो जाना था मैं तुझे एक मिसाल देता हूँ कार्तिक देव को कैसे आउट हो गया शॉट लगा दो तेरी टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसे खेली है तुझे आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं पता किसी को ब्लेम देने से पहले अपनी सोच पर देख लीजिए टीम मेरा भाई मेरी टीम हार गई बस जिम्बाब्वे से कैसे आ रहे तो तीसरी केस मैं तुझे कह रहा हूँ नहीं बना पाकिस्तान नहीं बना सका लेकिन अगर मगर चल रहा था अगर साउथ अफ्रीका ना जीतता तो पाकिस्तान के चांस थे जीतने के वो साउथ अफ्रीका हकीकत थी फिर पाकिस्तान जा सकता था वो तो अब तो अगर मगर खत्म हो गया इंडिया आखिरी बॉल तक वो गए हैं 134 को उन्होंने डिफेंड किया अगर इस तरह वो करते रहे जल्दी हार जाते तो फेक नजर आ रहा था मैच उन्होंने मैच बनाया कि अवाम को दुनिया को नजर आया कि इंडिया जंग लड़ के आ रहा है और महसूस करवाया कि हम जानबूझ के नहीं हारे हारे जानबूझ के मेरा भाई आखिरी ओवर तक मैच गया है बिल्कुल गया आखिरी बॉल जिक्र गया लेकिन हारे हैं भाई जानबूझ के मैंने पहले बता दिया था चार क्या आपने जिम्बाब्वे से कोई पैसे लिए हुए थे आप क्यों मैच आ रहे हैं मैंने कब बोला कि इंडिया ने साउथ अफ्रीका से पैसे पाकिस्तान भी जानबूझ के हारा यार पाकिस्तान को छोड़ वो तो अपनी आयरलैंड इंग्लैंड से जानबूझ के हारा इंग्लैंड जो आयरलैंड वो तो बारिश की नजर हुआ ना लेकिन इंग्लैंड नहीं हारने वाला था वो तो बारिश की नजर हुआ कागजों में कौन जीता है क्या इंग्लैंड और आयरलैंड का मैच इंग्लैंड एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है ओ यार इंग्लैंड मेरा भाई जी हारा है बारिश की वजह से और बारिश की वजह कागजों में हारा है ना 50 रन वो बना सकते थे कौन इंग्लैंड वाले इंग्लैंड वाले तो बन सकते क्यों नहीं बन सकते जाने दे भाई क्यों जाने दूं मैं भाई आपकी टीम इतनी स्ट्रांग है एक नहीं स्ट्रांग हमारी टीम स्ट्रांग थी नहीं भाई तो फिर हम तो पहले बोलते थे शोएब मलिक को शर्जील खान को अमर को खिलाओ और भाई किसी को क्यों हमारा बॉलर शहीन शाह ना खिलाओ विराट कोहली खिलाया विराट कोहली आते ही उन्होंने अच्छी प्ले से छाटे मारी है और नहीं ये लगाई भाई पदर तू भी इस तरह सपोर्ट कर रहा है इंडिया को मेरा भाई कोहली आते ही आउट हो गया है पहले प्लान था जिस तरह आप रिमेंडिंग कर रहे जिस तरह आपने भाई जान करनी मैं तो इंडिया वालों को खुशी मनानी चाहिए कि पाकिस्तान बाहर निकल गया चाहे वो उनकी मीडिया में बोल के आप मीडिया खोल के देख चैनल देख खोल के मेरा भाई तो आप मेहनत करें ना अपने बल यार हम तो हाँ हो सकता है मेहनत करने की जरूरत है हमें अपनी की दुआओं की जरूरत नहीं मेहनत की जरूरत खुद मेहनत नहीं करनी दूसरों पर ब्लेम डाल तो खुद ही मैं कह रहा हूँ मेहनत करें तो आपकी बातों से इंडिया वाले हंसेंगे क्या हंसेंगे लगा दिए ये हकीक मैं अकेला नहीं बोल रहा दुनिया सारी बोल रही इंडिया पहले बोल रहा पूरी दुनिया के कमेंट है कि इंडिया मैच हारेगा साउथ अफ्रीका से कोई नाम बताओ मुझे नाम दुनिया में से किसी भाई सभी क्रिकेट कोई नाम बोल रहे हैं कोई एक तो बताओ भाई सारे आप खुद नेट खोल के देख ले गूगल पे देख ले कोई दिखाओ मुझे यार आप तो एक बात का बतंगड़ बनाना शुरू कर देते मैं तुझे बोल रहा हूँ इंडिया हारा है जब तुम कमेंट पढ़ते हो ये कह रहे थे एक इंडियन ब्लॉगर कह रहा था मैं उसकी वीडियो भी बनाई आज पाकिस्तान में बड़ी दुआएं हो रही है इंडिया के लिए इंडिया जीते भाई हमारी तरफ से कोई हमें फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान हारे या जीते क्या हमें पहले दिन से हमें पता है जब सिलेक्ट हो रही थी ना टीम उस वक्त ही पाकिस्तान अवाम को पता चल गया था उन्होंने अवाम पहले जानती थी पहले राउंड से ही बाहर आएंगे मेरी तो बात सुने वो आज आपने गौर नहीं किया टूर्नामेंट मैच के दरमियान पाकिस्तान और इंडिया का परचम इकट्ठा एक आदमी ने लगाया है कि और दुआ क्या है मेरा भाई वो तंज है और क्या है तो जब अच्छा चौके इसने ना पॉजिटिविटी में से भी नेगेटिविटी निकालनी तंज है भाई और कुछ भी नहीं भाई मैं आज देखा है कि भाई आज जो पाकिस्तानी बैठे थे ना वो जो इंडिया के विराट कोहली ने दो चौके लगाए ना वो खुशी से वो भी झंडा फैला रहे थे पाकिस्तान के खुशी हो रहे थे जो पाकिस्तान के मैच के दरमियान बैठे थे ना उन्होंने भी देखा मैच इंडिया वाला भी तो वो भी जब इंडिया वाले विकेट लेते थे या चौका है विराट कोहली ने मारा तो वो भी खुशी जाहिर कर रहे थे कि इंडिया भाई ये बात तो नहीं कर सकता दुनिया की किसी टीम के खिलाफ भी अगर कोहली खेलता रहा हो रहा खेल रहा हो पाकिस्तान में बहुत बड़े फैन है मेरे भाई उसके देखने वाले भाई आज तो दुआएं थी ना मेरी तो बात सुनी आज तो दुआएं थी ना कि इंडिया जीत गया नहीं मेरी तरफ से तो कोई दुआ नहीं थी मैं तो सच बोलना चाहता हूँ झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ मेरी दुआ तो अपने मुल्क के लिए मैंने तो अपने गांव में देखा है 10-10 आदमी बैठे हुए हैं और दुआएं कर रहे हैं इंडिया जीत जाए किसी तरीके जब इंडिया आ रहा है ऐसे मैच लगता था कि जैसे पाकिस्तान की हर चीज डूब चुकी है
टूर्नामेंट से आउट हो चुके भाई, साउथ अफ्रीका हार चुके थे। साउथ मेरी तो बात सुने, कैसे हार चुके साउथ अफ्रीका? मेरी तो बात सुनने से पहले हार चुके भाई, मेरी तो बात सुन। साउथ अफ्रीका की सिलेक्ट अच्छी नहीं हुई भाई, साउथ अफ्रीका से साउथ अफ्रीका हार सकता है उससे, बांग्लादेश से इंडिया हार सकता है, बांग्लादेश से पाकिस्तान मेहनत करे अच्छे मैच। अच्छा, तुझे यकीन है बांग्लादेश इंडिया हारेगा? क्या बांग्लादेश नहीं हरा सकती? अच्छा तू मेरे वाइस क्लास टीम है, आज आज की तारीख लेकर मेरे साथ शर्त लगा ले, इंडिया को हरा के दिखा तो बांग्लादेश से। भाई साउथ अफ्रीका हार सकती, इंडिया ना हारे। मेरा भाई साउथ अफ्रीका भी जीत जाएगा, तू मेरे साथ शर्त साउथ अफ्रीका पे लगा ला, वो भी जीतेगा उनसे। अच्छा की टीम में खिलाड़ी कोई नहीं। अच्छा मेरी तो बात सुने, दोनों मैचों में बारिश आ जाती इंडिया के, वो तो कुदरत के लायक काम है ना, तो फिर इंडिया भी डूब जाएगा ना भाई। वो तो कुदरती निजाम हो सकता है, उसके आगे कोई दुनिया का बंदा बोल नहीं सकता। अच्छा साउथ अफ्रीका भी एक बारिश का मैं नजर हो सकता है मैं, यार क्या पता भाई, जान बूझ के कोई भी नहीं मैच हो सकता। आपस ये मैच पाकिस्तान इंडिया जान बूझ के सिर्फ पाकिस्तान को पीछे रखने के लिए, और पाकिस्तान को हराया गया। पाकिस्तान को के मर जाना चाहिए क्योंकि कुछ परफॉर्मेंस नहीं है, उनको लगाए लाए उनको दो दो छक्के, उनको नहीं चीफ सिलेक्टर और चेयरमैन का है, उनको सारा जो कोई नुकसान हो भुगतना पड़े उनको भुगतना चाहिए। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो तुम्हारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारा ये भी काम है, हम अपना गन दूसरों पर डालते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।